हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग अपनी i20 में एंड्रॉयड स्क्रीन लगाने वाले हैं। सिंपल सा है और मैं आपको स्क्रीन वगैरह सब दिखाता हूँ कैसी है। तो सबसे पहले अपने को तो ये चीज़ ओपन करना पड़ेगा। तो इसकी फ्रेम भी आती है साथ में और फिर इसके एंड्रॉयड प्लेयर अपने इसके अंदर ही अटैच होगा। तो सारा प्रोसीजर करते हैं, फिर इसके बाद दूसरे और भी कुछ अपग्रेड्स है वो धीरे धीरे सब बाद में करने वाले हम लोग। तो पहले ये स्क्रीन निकाल, ये पहले इसका फ्रेम निकाल दी है। इसके बाद अपने को ये पूरा वेंट उसमें डाल जाएगा, ये निकल जाएगा और फिर बाद अपनी स्क्रीन उसमें लगेगी। ये वाली स्क्रीन है अपनी 9 इंच की एंड्रॉयड स्क्रीन है ये। इसका प्राइस वगैरह मैं आपको सब बता देता हूँ और तब तक ये अपना काम चालू है इधर। तो अभी ये फ्रेम रिप्लेसमेंट का काम चालू है इधर। तो जी, अब ये अपनी पुरानी फ्रेम है तो इसमें से ये जो इसके जो एसी कंट्रोल्स के और वेंट वगैरह जो है ये यहाँ से निकाल के इसमें डालना पड़ेगा। और दूसरा, इसमें ये सॉकेट आते हैं। बहुत से लोगों ने ये सॉकेट के बारे में बताया नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि ये जो सॉकेट है ना, ये फ्रेम के साथ में यहाँ मिलेंगे। क्योंकि सब गाड़ी की वायरिंग अलग अलग होती है तो वो वायरिंग के हिसाब से आपको सॉकेट मिलेंगी, क्योंकि आप कोई भी सॉकेट इसमें नहीं लगा सकते। तो ये सॉकेट आपको फ्रेम के साथ मिलेगी, जो आपकी जो गाड़ी होगी वो गाड़ी का फ्रेम आपको लेना पड़ेगा। तब ये जो पुराना जो फ्रेम है उसमें से निकाल के अपने को नए इसमें डालना पड़ेगा और फिर बाद में अपना सारा फिटिंग होगा। तो ये अभी नए फ्रेम के अंदर पूरा सेट कर दिया, सब सामान जो भी था ना एक्स्ट्रा, जो दूसरा अपना एसी का था, फिर ये वेंट था, तो सारा सेट हो गया। अभी एंड्रॉयड के साथ अपने को बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो आपको बताता हूँ। ये USB केबल आती है, 2 USB केबल आपको मिलेगा आपको पेन ड्राइव लगाने के लिए। फिर ये कुछ अपने केबल्स मिलेंगे, ये RC केबल वगैरह, और आपका रियर कैमरा भी इसके अंदर आपका अटैच हो जाएगा सब कुछ इसके अंदर। इसमें आपको एक एक्सटर्नल माइक का भी अटैचमेंट आपको मिलता है कि इनकेस अगर इसका माइक से अगर आपको कुछ अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक्सटर्नल माइक भी आप इसमें लगा सकते हैं। और ये है GPS मॉड्यूल है, ये GPS मॉड्यूल है कि आपका मतलब मैप अगर नेविगेशन स्टार्ट करेंगे तो ये आपको GPS में काम आएगा। तो ये सारा सिस्टम है, खाली वायर टू वायर खाली कनेक्ट करना है और बाकी कुछ नहीं। खाली फ्रेम आपको ये फ्रेम के साथ ये स्क्रीन अटैच करने का और बाद में इसके अंदर आपका वायर टू वायर लग जाएगा। और ये सॉकेट का खाली ध्यान रखना, ये जो फ्रेम आप लेंगे उसका सॉकेट आपको ये मिलेगा, क्योंकि सबके वायरिंग्स अलग अलग आते हैं। तो ये पूरा स्क्रीन का फिटिंग हो गया है। तो ये खाली आपको फ्रेम चाहिए, गाड़ी के हिसाब से आपको फ्रेम मिलेगा, गाड़ी के हिसाब से आपको सॉकेट मिलेगा और डायरेक्ट प्लग एंड प्ले ये स्क्रीन पर लगाने का है। और स्क्रीन का फिटिंग जो है वो फ्रेम पर होगा और फ्रेम बाद में आपके गाड़ी के डैशबोर्ड पर लग जाएगा। तो ये तो अपना ओरिजिनल ही है, ये नीचे वाला जो है वो ओरिजिनल ही है, ये ऊपर के बटन वाले भी सब ओरिजिनल ही है। इसे अपने स्क्रीन अभी लगा दिया और अभी फिलहाल ये नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक अभी ऑन है। तो ये देखिए, ये वॉल्यूम का बटन है, ये पावर का है, ये माइक है, यहाँ पे इसका साउंड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। दूसरा, इसमें आप नेविगेशन भी कर सकते हैं, अगर इसको अंदर आप सिम कार्ड भी अटैचमेंट वाला भी एक आता है ऑप्शन, वो भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें वाईफाई आपके मोबाइल से इसके अंदर वाईफाई से कनेक्ट करके आप इसमें नेविगेशन कर सकते हैं। और USB वाला मैंने यहाँ पे लगाया दिया है, यहाँ पे एक छोटा सा होल करके पेन ड्राइव के लिए यहाँ पे अटैचमेंट कर दिया मैंने। और एक्सटर्नल माइक का अटैचमेंट है अंदर, लेकिन वो मैंने नहीं लगाया क्योंकि इसका माइक से अपना काम हो जाएगा। अभी खाली रियर कैमरा लगाने का बाकी है, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो फिलहाल ये स्क्रीन है, ये ए क्लास वाला कंपनी है, ये इसकी स्क्रीन है। इसमें ये 9 इंच वाली स्क्रीन है और बाकी फ्रेम तो सभी गाड़ी की मिल जाती है। बाकी ये पूरा अपना एंड्रॉयड स्क्रीन जैसा है, इसमें 16 GB मेमोरी है। रैम कितनी जामा? 1 GB रैम और 16 GB मेमोरी कार्ड है। बाकी अगर एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए अपने को फिर पेन ड्राइव यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप बाकी अब सारे चीज़ आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए, ये ऐसा है, ये थीम आप इसमें चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज वगैरह सब कर सकते हैं इसके अंदर। ये एप्लीकेशन है, इसमें अभी गूगल साइनिंग किया नहीं है तो बाकी है। तो इसमें आप बाकी का भी आप सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। अब मेल चेक था क्या हम, जीमेल वगैरह? अच्छा, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल गूगल साइनिंग कुछ नहीं किया हुआ है इसलिए वो नहीं है। बाकी रेडियो चालू है, लेकिन रेडियो का एंटीना अभी चल लगाने का बाकी है, उसका सॉकेट अलग है तो वो अभी बाकी है। तो बाकी सब चीज़ें हो जाएगा इसमें। यूट्यूब भी है, अभी गूगल साइनिंग नहीं किया इसलिए अभी वो सब पेंडिंग है वो सब। तो बाकी फिर अपने वीडियोज़ वगैरह भी हम लोग इसमें देख सकते हैं सब। तो ये था पूरा स्क्रीन का फिटिंग। बाकी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी का डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इजी है फिटिंग करने के लिए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगेगा आपको। और प्लग एंड प्ले वाला ही काम होता है इसमें, कोई वायर कटिंग वाला इसमें कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि इसके आपको फ्रेम के साथ ही आपको सॉकेट मिल जाएगा। आपकी गाड़ी की अलग अलग सॉकेट आती है, ठीक है। तो जो भी अलग अलग गाड़ी होगा, जो भी अलग अलग मॉडल होगा, तो उसका अलग अलग सॉकेट आएगा। क्योंकि जैसे i20 में बहुत सारे मॉडल आते हैं तो उसके सबके ये जो फ्रेम है ना, वो सबकी अलग अलग फ्रेम आती है, तो वो हिसाब से आपको फ्रेम लेके आपको सॉकेट आपको मिल जाएगा।
तो बाकी अगर आपको और भी कुछ दूसरे मॉडिफिकेशन अगर आपको देखने हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर हो सके तो उसके बाद दूसरे मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होने वाला है वो अपने यहाँ के स्पीकर्स अपने चेंज होने वाले हैं। तो स्पीकर्स आ चुके हैं, अभी वो स्पीकर अपने को चेंज करना है और फिर बाद में इसका रियर कैमरा भी लगाएंगे। अभी रियर कैमरा नहीं लगा हुआ है तो रियर कैमरा भी अटैच हो जाएगा और बाकी बाद में स्पीकर्स भी जल्दी मतलब वो भी चेंज होने वाले हैं, तो उसका भी वीडियो आगे आ जाएगा। आपको एक ऑडियो सैंपल सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी एम्पलीफायर नहीं लगा हुआ है, तो जो भी आउटपुट आ रहा है वो डायरेक्टली इसमें से आउटपुट आ रहा है। और जो पहले जो म्यूज़िक सिस्टम जो था उसके अंदर जो एक एम्पलीफायर होता है, तो ये अभी जो साउंड है ये विदाउट एम्पलीफायर का है और इसका साउंड जो है ना मतलब काफ़ी अच्छा है। जो मतलब जो पुराना म्यूज़िक सिस्टम जो था ना उससे काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है और ये पुराने स्पीकर्स पे। अभी जो स्पीकर्स जो चेंज हो जाएंगे तो उसके में साउंड थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा। तो एक आपको मैं साउंड इसका सुनाता हूँ। भी साउंड आ रहा है ना ये इसका ही है, मतलब इसका ही आउटपुट आ रहा है। अभी कोई एम्पलीफायर वगैरह कुछ भी नहीं लगा, डायरेक्ट इसी में से आ रहा है। तो आपको इसमें अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। बाय बाय।